रही माया राम यादव जसमन नगर, रामदास दिवाकर प्रधान, श्री बंदे प्रजापति हरिशंकर लंबरदार बाउत, वीरपर राजपूत नगला बिशुन, जसवंत सिंह चौहान नगला रामताल, श्रीमती ब्रह्मा देवी जाटव पूर्व प्रधान, सेवाराम जाटव पूर्व एडियो नगला लच्छी, राम नरेश राजपूत जी, शिव शंकर ढाकरे सेक्टर प्रभारी, सर्वेश दिवाकर पूर्व प्रधान, इंद्रेश कुमार दिवाकर प्रधान, श्याम बहादुर धनगर, अभिलाष सिंह ढाकरे नगला सलेदी, दीपू जादौन बल्लई, गुड्डू शर्मा रामताल, हरिशंकर बाउत, पान सिंह लंबरदार, प्रेम यादव बीबा मऊ, सुबोध कुमार प्रधान बीबा मऊ, कृष्णा यादव बीबा मऊ, लालू यादव चनेपुरा, जसकरण कठेरिया, और यहाँ नेताजी से लेकर के हमारे साथ बहुत दिनों तक संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, और यहाँ उपस्थित बल्लई के आसपास के सभी साथियों और दोस्तों पत्रकार बंधुओं, आज हम आप सब लोगों से वोट की अपील करने आए हैं, और 7 मई को जो मैनपुरी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और उस मैनपुरी लोकसभा में जसमन नगर विधानसभा क्षेत्र भी आता है, और वहां से प्रत्याशी आप लोग समझ ही रहे हैं, हमारी बहू डिंपल यादव और अखिलेश यादव जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी है। तो हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि 7 मई को साइकिल का बटन दबा करके इतना वोट आपको डालना है, इतना साइकिल का बटन दबाना है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से हट जाए। तो बताओ, आज बताओ सब लोग, 7 मई को सब लोग साइकिल का बटन दबाएंगे? और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया है, केवल जनता को धोखा दिया है और जनता को परेशान किया है, सबको परेशान किया है, और झूठा आश्वासन देते हैं और झूठे वादे करते हैं, और जो वादे करते हैं एक भी वादा पूरा नहीं करते। 10 साल दिल्ली की सरकार और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार, हम पूछना चाहते हैं 7 साल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का यहां काम बता दो, और जितने भी काम हुए हैं, चाहे सड़क का हो, चाहे पुल का हो, चाहे बिजली का हो, कोई काम हो, या तो नेताजी की सरकार में या अखिलेश यादव की सरकार में हुए। देखिए, हम समझते हैं आज बहुत गर्मी भी है, और आप सब लोग यहाँ 4 घंटे से जमे हुए हो, 4 घंटे से अब तो ज्यादा ही हो गए हैं,
और काम का भी वक्त है, काम का भी वक्त है, लेकिन अब काम का वक्त छोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। बताओ छोड़ोगे? और ये भी जानते हो ये अभी तो आ रहे हैं, अभी तो आ रहे हैं वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग, और 7 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा। और 7 तारीख के बाद बताओ, 7 तारीख के बाद तो हम ही देखेंगे। और बताइए बताइए, कोई भी परेशान भी नहीं कर सकता है हमारे रहते, बताओ कोई परेशान कर सकता है? चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोई भी। और हम जानते हैं, आप सब लोग जानते हो, आप लोग जानते हो बिजली वाले ज्यादा परेशान करते हैं, और बिजली वाले बिजली देते नहीं और छापा मारने आते हैं, जुर्माना करते हैं, FIR करते हैं और फिर सेटिंग करते हैं, फिर सेटिंग करते हैं पैसा दो तो जुर्माना कम हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है, हम सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली। और पता लगा लेना, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में। और कितने घंटे बिजली आपको मिलती है? 6 घंटे, 8 घंटे। और ट्रांसफार्मर फूक जाए तो परेशान करते हैं, और परेशान करते हैं, और फिर ट्रांसफार्मर तब लगता है जब आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जमाने में चंदा करना पड़ता है, पूरे गांव से चंदा करना पड़ता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, नेताजी की सरकार थी, बताओ किसी की हिम्मत पड़ती थी? और यहां तक कि बताओ कोई गरीब आदमी होता था, कटिया भी डाल लेता था, तब भी छापा नहीं पड़ता था। बताओ पड़ता था? तब किसी अधिकारी की हिम्मत पड़ती थी छापा मारने? और बताओ इन बेईमानों की सरकार में क्या हो रहा है? अगर थाने में झूठी रिपोर्ट लिख जाए तो फिर बिना रिश्वत के काम नहीं हो सकता है। और पहले तो ये जो झूठी रिपोर्ट लिखाने आता उस पर भी पैसे लेते हैं। और जब आप लोग जाते हो कि ये झूठी रिपोर्ट है तो सीधा सीधा पैसा मांगते हैं। तो बताइए, इतनी भ्रष्ट सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। और डबल बताओ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है इस सरकार ने। तो बहुत कुछ हमें नहीं बोलना, हम तो आप लोगों के बीच में हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन हम इतना आपसे जानना चाहते हैं, इतना जानना चाहते हैं, अब की बार 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाना और डिंपल यादव को जिताना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और डिंपल यादव को जिताना है। तो हम आज एक नहीं बोलेंगे, टाइम बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, बोलने को तो बहुत है, हमारे साथियों ने बहुत कुछ बोल दिया है, मोंटी बिलाक प्रमर ने बहुत कुछ बोल दिया है, और आप लोग बहुत खुद समझदार हो, आप लोग खुद समझ, लेकिन हम इतना आपको आश्वासन देते हैं,
आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। आपके खिलाफ अगर झूठी रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो हम उसे खत्म कराने का काम करें। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, अगर कोई भी चाहे थाने हो चाहे तहसील हो, एक अपनी डायरी पर लाल कलम से उसका नाम जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना। और इसलिए लिख लेना, अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और फिर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने का काम करें। बताओ बताओ बताओ, सब लोग बनाओगे? बस भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और किसान भाइयों से हम आश्वासन देना चाहते हैं, इतना आश्वासन देना चाहते हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसी भी सड़क पर सांड और गौ माता न कि सड़क पर न किसानों के खेत में न सांड दिखाई देगा न गौ माता दिखाई देगा। और ऐना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो गौ माताओं को भी मार दिया है। चारा देते नहीं, भूसा देते नहीं, पानी देते नहीं, छाया देते नहीं, बेचारी गौ माता कितनी मार डाली है। और वहीं पर दफना भी देते हैं, बताओ वहीं पर तो दफना देते हैं। तो इसलिए सब लोगों से हमारी हाथ उठा करके बताना, हाथ उठा करके बताना, 7 तारीख को अपना एक भी वोट पड़ने को न रह जाए, इतना साइकिल का बटन दबाना, इतना बटन दबाना। बताओ जसवंत नगर क्षेत्र से, जसवंत नगर क्षेत्र से 2004 में आप लोगों ने 1,51,000 से समाजवादी पार्टी को जिताया था, अब की बार 1,91,000 वोटों से जिताने का। अच्छा, तुम्हारा रिकॉर्ड और कोई नहीं तोड़ पाएगा, अपना रिकॉर्ड आप कोई तोड़ना है। बताओ बताओ, अब की बार जसवंत नगर से अपना 1,91,000 का रिकॉर्ड तोड़ोगे? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा कर बताओ। और पहला, अच्छा पहला राउंड इसी क्षेत्र से खुलता है, इसी क्षेत्र से खुलता है, महामई से खुलता है, महामई से धरी से खुलता है। बताओ एक बार, एक बेईमानों ने, हम लोग कितने वोट से पीछे थे पहले राउंड में? बहुत थोड़े वोटों से, 122 वोटों से। और दिन भर चलाया था, गलत चलाया। तो दोपहर तक, जब तक लास्ट राउंड तक चलाते रहे तब तक हम जीत गए थे बहुत वोटों से, 82,000 से जीत गए थे, तब भी चलाते रहे थे। तो अब की बार इस क्षेत्र से, अब की पहले राउंड में कितने वोटों से? 7,000। अब तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो सब लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, तो अब काम छोड़ना पड़ेगा। 4 दिन 5 दिन काम छोड़ देना, घर घर वोट मांग लेना, गली गली वोट मांग लेना, और पास पड़ोस के जो भी हों उन्हें मना भी लेना। और अगर मना लिया तो पहले ही राउंड में इतने वोटों से जीतोगे, पहले राउंड में 5,000 से जिता सकते हो। अगर इतने लोग यहाँ बैठे हैं इस एरिया के लोग, तो बताओ
5,000 से जिता सकते हो। तो हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके बताओ, इस एरिया के सब लोग, सब लोगों को मना लेंगे और सब लोग एक हो जाना, और सब लोग एक हो जाना। हम इसलिए पूछना चाहते हैं, बताओ यहाँ पर सड़क से लेके पुल से लेकर के जमुना पे जो भी कहा, बिजली से लेकर के जो भी काम हुआ है, बताओ किसी दूसरे ने कराया? और फिर हम बताना चाहते हैं, जे 7 तारीख के बाद दिखेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं, देख लेना दिखेंगे। और अब की बात तो इतना बढ़िया समीकरण है, बहुत बढ़िया समीकरण है। और इन बेईमानों ने 7 साल में एक भी काम किया हो तो बता दो। केवल किया है निर्दोष लोगों को खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई और ठगाने का काम किया है। बिजली से लेकर के थानों तहसीलों से लेकर के केवल जनता को शोषण किया है, जनता का शोषण किया है। और हम लोगों की सरकार बनेगी, जितना इन लोगों ने शोषण किया हम आश्वासन देते हैं, नोट कर लेना, मैं ब्याज के वसूलने का काम इनसे किया जाएगा। और अब की बार इनको जो झूठे हैं, जो ठगते हैं, जो जनता का शोषण करते हैं और ठगाई करते हैं, वो आपको एक भी नहीं दिखाई देगा, इतना हम आश्वासन देते हैं। तो इसलिए बताओ, अब याद रहेगा 7 तारीख साइकिल का बटन दबा करके डिंपल यादव को भारी बहुमत से जिता देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब लोगों को एक बार चाचा के लिए इस चुनावी जनसभा के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राम दुलारे राजपूत जी, यहां के सबसे लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर ब्रजेश चंद यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रदीप साक उर्फ बबलू जी, मंच पर उपस्थित गोपीनाथ परासर जी, मायराम यादव जी, मान सिंह पाल जी, जसवंत सिंह चौहान जी, नौजवान साथी ब्लॉक प्रमुख अनुज यादव मोंटी जी, वीरपाल राजपूत जी, रामदास दिवाकर जी, श्रीमती ब्रह्मा देवी जाटव पूर्व प्रधान, श्री सेवाराम जाटव जी, श्री बदले प्रजापति, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे कमल किशोर कनौजिया जी, मनीष जाटव, शिवशंकर सिंह जी, रशपाल सिंह जी से लेकर के यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहने, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जसवंत नगर विधानसभा के सभी लोगों का और उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों का, समाजवादी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत छाया है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन तो उससे थोड़ा बहुत मदद मिल रही है, इस गर्मी में और अपना काम छोड़ करके जो आप लोग आए हैं,
ये हमें भरोसा दिला रहा है कि इस बार पहले से ज्यादा मतदान कर करके समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि मैनपुरी लोकसभा से कौन जीत रहा है, कौन जीतने जा रहा है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो खुद ही कहने लगे कि यहां कौन जीतेगा, यहां तो सपा ही जीतेगी और कौन जीतेगा। तो सोचो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार कर रहे हों कि यहां से उनकी जीत हासिल नहीं होनी है, तो हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर हम लोग पहले से ज्यादा वोट देकर के एक संदेश भेजने का काम करें। ये लोकसभा मैनपुरी और जसवंत नगर, इसकी पहचान पूरे देश में है। आप लोगों ने नेताजी को बहुत शुरुआती दौर से देखा है, जिस समय पहला चुनाव या बाद में जितने भी चुनाव लड़े होंगे नेताजी आपके बीच में आते रहे होंगे, आप लोगों से सहयोग और समर्थन समय समय पर मांगा होगा और आप लोगों ने हमेशा उनकी मदद की और जिताया। और उसके बाद चाचा यहां से लगातार हैं, पिछले वर्षों से यहां पर हैं और हर बार आपने मदद की है। जब पिछली बार बाई इलेक्शन था उस समय ये चर्चा थी क्या होगा, कितने रिजल्ट और कितने से जीत होगी, उस समय भी यहां जसवंत नगर की जनता ने आश्वासन दिलाया था कि सभी विधानसभाओं में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो यही विधानसभा, यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। और जब रिजल्ट आया तो कोई सोच नहीं सकता था। जीत की जो शुरुआत हुई वो जीत की शुरुआत लगातार बढ़ती रही और जब काउंटिंग खत्म हुई है जसवंत नगर की तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से आपने जिताने का काम किया था। ये 10 साल बाद दिल्ली का चुनाव आपके सामने है और ये लोग बड़े बड़े नारे दे रहे थे। याद होगा आपको, इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां तो बिल्कुल हमारे जितने भी साथी यहां खड़े हैं, समाजवादी साथी हैं, सभा में आए हैं, सभी किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं और गांव में रहने वाले लोग हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, 10 साल हो गए इनको सरकार में, जो दिल्ली में चलाई और उत्तर प्रदेश में 7 साल, लगभग 17 साल में हमारे किसान भाइयों, बताओ आपकी किसी भी फसल की अगर इन्होंने आय दोगुनी कर दी हो तो हमें एक भी बता दे किसान। और अभी जब गेहूं की फसल तैयार है, लोग मंडी ले जाना चाहते हैं लेकिन कोई मंडी में कीमत नहीं दे पा रही सरकार, हमारे किसान सीधे सीधे बाजार से भाव ले रहे हैं, बाजार में जाकर के कुछ लाभ मिल रहा है। हमारा ये मानना है अगर सरकार चाहती तो जो मुनाफा, थोड़ा बहुत जो लाभ आपको मिल रहा है बाजार से, इससे ज्यादा लाभ सरकार दिला सकती थी, लेकिन सरकार किसानों को लाभ नहीं देना चाहती है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज से शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले बाजार में इतनी चीजें किसानों के उपज की बनी हुई नहीं मिलती थी। आज आप बाजार में चले जाएं, जब से शहरों की आबादी बढ़ी है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पैकेट का आटा भी इतने बड़े पैमाने पर बिकेगा। जो लोग कस्बे और शहर में रहते होंगे, जिनको जानकारी होगी, वो जानते होंगे आज बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी वो आ गए हैं और वो आपका गेहूं लेकर के
पैकेट में आटा बना करके न जाने कितना मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप बाजार में देखोगे तो आपका गेहूं तो थोड़ा बहुत दे दिया लाभ, सस्ते में ले लिया, लेकिन उसी गेहूं से जब और चीजें बनाई तो मुनाफा बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े काम करती थी, वो भी आजकल आटे का काम कर रही हैं। एक उद्योगपति को हम और आप लोग कभी कभी बीजेपी का ही बोलते हैं, उसे पता लग गया कि आटा और रिफाइंड तेल में सबसे ज्यादा मुनाफा है। तो आप पता कर लेना, आज बाजार में सबसे ज्यादा उसी का आटा बिक रहा है, रिफाइंड तेल भी सबसे ज्यादा उसी का बिक रहा है, और हम और आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि लाखों करोड़ का मुनाफा आपकी पैदावार से बड़े बड़े उद्योगपति कमाना चाहते हैं और कमा भी रहे हैं। उसी समय समाजवादी पार्टी ये मानती और सोचती है अगर मंडियां हो, मंडियों में रेट मिल जाए तो किसानों को बाजार पर नहीं बल्कि मंडी पे अगर हम बाजार का भाव दे दें तो शायद किसान को दूर नहीं जाना पड़ेगा और मुनाफा और लाभ वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके मंडियां खत्म कर रही और मंडियों से सब कुछ बर्बाद कर दिया सरकार ने। जहां हमारा किसान दुखी हो गया वहीं नौजवान के सामने संकट है। ये बात मैं नहीं कहता हूं कि नौकरी किसी एक समाज को ये सरकार देना चाहती थी, लेकिन ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री हासिल कर करके जिन्होंने नौकरी के लिए परीक्षा लिखने की बात की, आप जानते होंगे नौजवान कि जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार में सबके पेपर लीक हो गए। कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, और अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हो गए। और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती का परीक्षा थी, सरकार ने यह दावा किया कि इस बार पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन होगी और 2 दिन ऐसे इंतजाम होंगे कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा, हम सब नौजवानों को हजारों नौकरी दे देंगे। 60,000 के लगभग नौकरियां थीं, लेकिन सरकार ने परीक्षा तो लिखा दी लेकिन जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया और उस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया और नौजवान निराश होकर के घर बैठ गया। अभी तक हिसाब किताब आप लगा लें, नौजवान जो परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं वो 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख, अगर 60 लाख का इस सरकार ने भविष्य अंधकार में डाला है और केवल हम उनके परिवार के 2 सदस्यों को मान लें, माँ बाप को जो इस सरकार के खिलाफ हैं, अगर 3 का जो एक परिवार में सरकार के खिलाफ नाराजगी है उसको अगर हम गुणा कर दें 60 लाख से, तो 60 लाख गुणा 3 1,80,00,000, और यही 1,80,00,000 जो वोट हैं इनका अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो समझ लो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया। 60 लाख नौजवान, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन, नौकरी नहीं तो जीवन की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो किसान के साथ साथ नौजवानों को भी इस सरकार ने धोखा दिया, और 10 साल में अगर इनका देखें तो हर बात इनकी झूठी निकली और झूठे वादे निकले। लोकतंत्र में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला। और आप में से जिन जिन गांव से हम लोग आए हैं, आप जानकारी कर लें, बहुत सारे ऐसे परिवार के नौजवान होते थे जो फौज की तैयारी करते थे, महीनों सालों तैयारी करते थे और इस उम्मीद में कि उनकी फौज में भर्ती हो जाएगी। बहुत से ऐसे परिवार, अगर एक परिवार का सदस्य फौज में चला गया तो उस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधर गई, सम्मान मिलने लगा और आने वाली उसकी पीढ़ी पढ़ लिख गई और आगे बढ़ गई। लेकिन सरकार ने जब जांच कराई, जानकारी की कि सबसे ज्यादा लाभ
फौज में भर्ती से गांव का हो रहा है, किसान का हो रहा है, गरीब का हो रहा है, इन्होंने वो परमानेंट नौकरी, वो पक्की नौकरी फौज की रोक करके और उन्होंने अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी शुरुआत की है। इस नौकरी में न कोई लाभ है न कोई पेंशन है, अगर शहीद भी हो गए तो कोई सम्मान नहीं मिलने जा रहा। इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो पहले जैसी भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनाने का काम करेंगे। कभी कभी मैं ये भी कहता हूं, कई सभाओं में मैंने ये कहा कि अभी तो इन्होंने फौज की 4 साल की नौकरी की है, अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो हो सकता है ये खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल नौकरी कर दें। सोचो, अगर फौज की 4 साल की नौकरी और हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल नौकरी हो गई तो बताओ क्या करेंगे। ये आके हमारे और साथ ही घूमेंगे, हमारे और आपके साथ। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि ये होगा नहीं, संभव नहीं है। मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, अग्निवीर का किसने सोचा था कि 4 साल की नौकरी हो जाएगी? किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? किसी ने सोचा था कि एक कानून जीएसटी का लाकर के महंगाई बढ़ा देंगे? और किसी ने ये सोचा था कि ये चंदे के नाम पर वसूली कर लेंगे? बताओ, वसूली की ना कि नहीं की? अभी जब मैं आ रहा था तो किसी साथी ने, हमें अपने समाजवादी समर्थित साथी ने स्वागत तो किया ही किया, साथ ही साथ हमें 100 रुपए का चंदा भी दिया। हम और आप लोग एक दूसरे की जब मदद करते हैं चंदा या किसी कार्यक्रम के आयोजन में, तो थोड़ी बहुत मदद करते हैं, जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से मदद करता है। कोई 100 रुपए, कोई 500, 1000, 5000, 11000, अगर बहुत संपन्न होगा तो हो सकता है लाख में दे दे। लेकिन कमाल तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी विभागों से दबाव बना करके उन्होंने चंदा नहीं बल्कि वसूली की है, और 1-1 हजार करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो वसूली हुई है उसी की वजह से आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। याद कीजिए, अगर कोई उद्योगपति, कोई कारोबारी अगर चंदा देगा 1 हजार करोड़, तो बताओ मुनाफा कितना कमाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने चंदा दिया और वो जिनसे वसूली हुई, उन्होंने जब कारोबार किया, अपनी चीजें बाजार में बेची, तो उसकी कीमत बढ़ा दी और मुनाफा ज्यादा कमाने का काम किया। न केवल इन्होंने वसूली की बल्कि लोगों को झूठा फंसा दिया। क्या कोई सोच सकता है केजरीवाल जेल भेज दिए जाएंगे? क्या कोई ये तो उसी तरह से हुआ जैसे थाने में हम और आप लोग कभी कभी झगड़े में सेटिंग करके एक दूसरे के खिलाफ कोई दूसरी तहरीर देके या पैसा देकर के जेल भिजवा देते हैं। सोचिए, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को झूठा फंसा करके जेल भेजना हो, तब दिल्ली वाले जो मुख्यमंत्री हैं, आप जानकारी कर लेना, एक ही व्यक्ति ने 2 लोगों को चंदा दिया। जिस उद्योगपति ने चंदा, अरविंद केजरीवाल जी के आरोप लगा रहे हैं जिस पर, उसी उद्योगपति ने 50 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कोई जेल नहीं गया, लेकिन एक झूठा आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। बताओ ये कानून का राज है क्या? और ये जो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, किसी लोकतंत्र में जनता स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसकी नौकरी रोजगार के साथ खिलवाड़ हो। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है।
इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए आप लोग मदद करने का काम करना, क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदल करके ये सब ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और ऐसी ताकत अगर एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई तो याद रखना, जर्मनी में भी एक स्थिति तानाशाह आया था, अगर दोबारा चुनाव जीत गए और संविधान को ठेस पहुंची तो ये हमें और आपको उसी तरीके से कटघरे में खड़ा कर देंगे जिस तरीके से कभी किसी तानाशाह ने जर्मनी में लोगों को, आम जनता को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसलिए जहां चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है, वहीं संविधान बचाने का भी है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेगा, संविधान बचेगा तो हमें न्याय मिलेगा। संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, संविधान ही है जो हमारे बीच का भेदभाव को खत्म करता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, शायद इतना अच्छा संविधान किसी देश का नहीं है जो हमारे भारत को मिला है। इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए भी मदद करना। और जहां तक लखनऊ वाली सरकार का सवाल है, जब सरकार पे कोई जवाब नहीं बचता है तो सरकार चाचा को ढूंढने लगती है। और आपने सदन में भी देखा होगा, और जब सरकार वाले आए जसवंत नगर तब भी देखा होगा, उन्हें कुछ बताने को नहीं है, उन पे कुछ कहने को नहीं है, तो इसीलिए केवल चाचा को ढूंढ रहे थे और प्रसाद की बात नहीं कर रहे थे, चूरन की बात कर रहे थे। अरे ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनसे कभी सदन में गिनती पूछी थी तो बोले 46 से 56 भर्ती हो गए। और सोचिए, हमने आपने उनको योगा करते भी देखा है, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम सुबह 4 बज के उठ के योगा करते हैं, हमारे नौजवान और आप लोगों ने उन्हें योगा करते देखा होगा। जब वो योगा करने लगे, एक टांग पे खड़े होने लगे तो ऐसे डगमगा रहे थे जैसे कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए ये वोट दीजिए, मदद कीजिए, ये जितना भी विकास दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है, नेताजी और समाजवादियों का देन है, आपके विधायक जी का देन है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से सड़क, बिजली, पानी, एम्बुलेंस की व्यवस्था या 100 नंबर की पुलिस को गाड़ी की व्यवस्था की थी, और अच्छी व्यवस्था करेंगे। हमें याद है 100 नंबर इसलिए बनाया था कि दूर दराज अगर कोई परेशानी तकलीफ में है, अगर उसके ऊपर कोई परेशानी आ गई, संकट आ गया, तो वो फोन मिलाए, 10-15 मिनट में पुलिस पहुंच करके उसकी मदद करे। लेकिन इस सरकार ने वो व्यवस्था भी खराब कर दी, 100 से 112 कर दिया। और हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि अगर 100 का 112 किया है तो इसका मतलब हमें इशारा किया है कि हम भी अपनी टैक्स बढ़ा दें। इन्होंने भी टैक्स बढ़ा दिया, गाड़ियां नहीं बढ़ी लेकिन इन्होंने भी वसूली बढ़ा दी। जो एम्बुलेंस थी ना बढ़ाई, और जो बनी हुई थी वो भी खराब कर दी। ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल जाता था, जानवर के इलाज के लिए भी गाड़ी दे दी थी कि जानवर न जाए बल्कि फोन करो तो डॉक्टर आए और आपके गांव में आकर के कुछ इलाज और मदद करने का काम करें। ये सुविधाएं इसलिए थी कि दूर दराज हमारे गांव के लोग रहते हैं, गरीब हैं, वो कहां से इंतजाम करेंगे। इसलिए सरकार अपने पैसे से इंतजाम करे और उनकी मदद करने का काम करे। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि समाजवादियों ने हमेशा गरीबों का दुख दर्द समझा है। जो नेताजी ने हम लोगों को रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो नेताजी ने हम लोगों को समाजवादी आंदोलन विरासत में दिया है, इस समाजवादी आंदोलन को ऊंचे पहुंचा करके और ऊंचाई पे ले जाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसान, गांव और गरीबों का भला हो सके। हम लोग बिना भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के आप लोगों की हमेशा मदद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर पहले भी हम लोग मिले थे, उस समय जब आपसे निवेदन किया था, आपने बहुत अच्छे वोटों से जिताया था, आज फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे, उसी स्कूल में दोबारा हम लोग मिल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार चुनाव में
आप लोग पहले से ज्यादा मतदान करेंगे। और मई की पहली तारीख है, आ गई मई और चली गई भाजपा, गई भाजपा। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा, तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मतदार मिला के छोड़ा है।